नमस्कार दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, मैंने गोल्ड पे काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं, और गोल्ड के वीडियोस को देखने के बाद ऑडियंस का रिएक्शन था कि सिल्वर में क्या रिएक्शन क्या होने वाला है। तो इसलिए मैं ये सिल्वर पे एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोनों मेटल्स को रिलेटेड है। देखिए, जो सिल्वर है, सिल्वर के प्राइसेस इंडिया में जो है हमेशा बढ़ते रहे हैं, और पूरे 2024 में भी ये इसमें स्टडी राइस रहा है। करीब 2023 में करीब 7.19% का गेन रहा है इस वाइट मेटल में, जो कि एक इन्होंने नया रिकॉर्ड भी बनाया, जो कि 86,300 रुपीज पर केजी का बनाया। सो दैट वाज द न्यू रिकॉर्ड व्हिच वाज हिट बाय सिल्वर्स इन 2023। देखिए, सिल्वर में 2024 में काफी स्टडी राइस रहा है, और सिल्वर एक इम्पोर्टेंट मेटल है जिस तरह से गोल्ड है, और सिल्वर में 7.9% का गेन जो है 2023 में देखा गया है, और ये व्हाइट मेटल जो है एक रिकॉर्ड हाई भी बना चुका है, जो कि 86,300 रुपये पर के जी है। इज दी ठीक है। स्टोरी। सी, इसमें सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस जरूर आते रहते हैं कुछ क्वार्टर्स में, क्योंकि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है कुछ फैक्टर्स में, जैसे इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स हो गया, जियो पोलिटिकल सिचुएशंस हो गई, मार्केट स्पेसिफिक डायनेमिक्स हो गई। सो ये सारा रहा है। ऑन दी देखिए, एमसीएक्स, इट हैज ऑलरेडी सरपास्ड 94,000 ऑन मई 22, 2024। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, राइट? सो सिल्वर जो है ऑलमोस्ट पिछले एक दशक में ऑलमोस्ट डबल हो गया है, ये आपको भरी होनी चाहिए। सो ये जो राइज, ये स्टडी राइज है सिल्वर के प्राइसेस में इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये 3 ईयर हाई का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, जबकि लोकल मार्केट में इट हैज ऑलरेडी क्रॉस दी ऑल टाइम हाईस। सो ये स्टोरी रही है सिल्वर की, जानकारी होनी चाहिए। सो ये जो राइज, ये स्टडी राइज है सिल्वर, देखिए काफ़ी सारी ब्रोकरेज की जो प्रोजेक्शंस रही है वो काफ़ी सारे बुलिश रहे हैं सिल्वर पे, और ये माना जाता है कि शायद 2024 के अंत तक जो है सिल्वर के प्राइसेस 1 लाख रुपए को क्रॉस कर सकते हैं। तो 1 लाख रुपए, 1 लाख पर केजी सिल्वर के प्राइसेस एंड ऑफ 2024 तक क्रॉस कर सकते हैं। देखिए, सिल्वर में काफ़ी सारी ऑप्टिमिज्म रही है, और मार्केट भी बुलिश रहा है। इनफैक्ट कई एनालिस्ट ने इसके बारे में यहाँ तक स्टेटमेंट दिए कि 1 लाख तक का ये प्राइस, 1 लाख पर केजी तक का प्राइस ये एंड ऑफ 2024 तक क्रॉस कर सकता है, और इवन उसके ऊपर जा सकता है। सो सिल्वर में भी क्लियरली ये क्लियर हो गया कि सिल्वर में भी गोल्ड की तरह सिल्वर जो है 1 लाख रुपये पर केजी को टच कर सकता है 2024 के अंत तक, राइट? इसकी जो हाइब्रिड नेचर है, क्योंकि ये प्रेशियस मेटल है, फिर इंडस्ट्रियल मेटल है, इसलिए इसकी जो है एक रोबस्ट रैली देखी गई है, और पॉसिबिलिटी है कि ये 1 लाख मार्क को बाई एंड ऑफ 2024 बेस्ड ऑन ऑनगोइंग सर्कमस्टांसेस अचीव कर सकता है। सो दैट इज द गुड न्यूज। जस्ट टू गिव यू आइडिया ऑन स्टेटिस्टिक्स, 2017 में सिल्वर के रेट करीब 37,825 रुपये थे, 2018 में 41,400 हुए, 2019 में 40,600 हुए, 2020 में 64,435 हुए, 2021 में 62,572 रहे हुआ, और 2022 में 55,100 तक पहुंच गया था, और इनफैक्ट 2023 में 78,000 को क्रॉस कर गया। सो आप देखोगे तो देर हैज बीन अ स्टडी राइज इन द सिल्वर प्राइसेस फॉर द लास्ट 1 डिकेड। ये जो मैं प्राइसेस बताए हैं, ये जो है एनुअल एवरेज एनुअल प्राइस है सिल्वर का 2017 से 2023 तक का, और ये इसका सोर्स बैंक बाजार है। अब सवाल ये उठता है कि ये सिल्वर के हाइक के कारण क्या है। सो देखिए, 4-5 कारण है, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये सेफ हेवन एसेट्स गोल्ड को माना जाता है, सिल्वर को माना जाता है, इसमें इंक्रीज डिमांड है, क्योंकि अभी जो एस्केलेटिंग एस्केलेटिंग टेंशन थे, और ये होप था कि यूएस इंटरेस्ट का में रेट कट होगा, इसकी वजह से इसमें एक इंक्रीज डिमांड देखा गया। इसमें दूसरी का दूसरा कारण ये है कि स्पेकुलेटिव बाइंग, क्योंकि क्योंकि इंडस्ट्री मेटल भी है, इसकी वजह से एक स्पेकुलेटिव बाइंग भी हुआ, जिसकी वजह से इसमें एक सर्ज फ्यूल हुआ, राइट? सो स्पेकुलेटेड बाइंग और एंड अ शार्प रैली इन इंडस्ट्रियल मेटल्स हैव फर्दर फ्यूल्ड द सर्ज। So, कहने का मतलब यह है कि स्पेकुलेटिव बाइंग और शार्प रैली की वजह से सिल्वर मेटल में एक इंक्रीज देखा गया। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोल्ड में, तो खैर गोल्ड ज्वेलरी के टर्म्स में माना जाता है, सिल्वर जो है अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पार्ट ऑफ ज्वेलरी, इसके काफी सारे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी वजह से ये काफी अट्रैक्टिव माना जाता है। स्पेशली अगर आप देखें तो इन दी गिवन रिसेंट प्राइस राइज में इंडस्ट्रियल मेटल्स में, जैसे कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, जिंक हुआ, और इन सब के वजह से ये इसमें भी फर्क पड़ा है। चौथा कारण है कि जो सिल्वर जो है हिस्टोरिकली इसने डिमोन्स्ट्रेट किया है कि ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है गोल्ड के साथ, और जैसे जैसे गोल्ड गोल्ड बुलिश है, तो सिल्वर भी हल्का सा उसी ट्रेंड में चलेगा, बिकॉज कोरिलेशन है। तो सो ऑनगोइंग बुलिश ट्रेंड जो है उसका बेनिफिट सिल्वर को भी मिला, राइट? और लास्ट चीज, जो पांचवी चीज है, वो इम्पोर्टेंट ये है कि सिल्वर जो है इन्वेस्टमेंट एसेट
और इंडस्ट्रियल कमोडिटी दोनों के रूप में इसको यूज किया जाता है, जिसके वजह से इसकी वोलेटिलिटी रहती है इसके प्राइस में, और इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी में इसमें इसमें एक सर्ज देखने को मिलता है। सो गाइस इम्पोर्टेंट ये है कि सिल्वर जो है एक बुलिश ट्रेंड में है, सिल्वर को एक बुलिश ट्रेंड में माना जाता है, और एनालिस्ट जितने भी हैं वो ये सोचते हैं कि सिल्वर जो की प्रोस्पेक्ट जो है काफ़ी सारी बुलिश है, राइट। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक ये है कि इसमें फर्दर अपसाइड देखने को एनालिस्ट को मिलता है, और ये पॉसिबिलिटी है कि ये 1 लाख रुपए के आसपास इसका प्राइस पहुंच जाएगा। सो ओवरऑल सिल्वर भी एक सेफ हेवन एसेट है, और इस पे इन्वेस्ट करना भी एक अच्छी चीज रहेगी अगर आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट और आपकी स्टडी। देखिए, अगर आपको सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो मैं दो चार स्टडी के हिसाब से जो तर पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मैं आपको जरूर शेयर कर सकता हूँ, लेकिन रिकमेंडेशन यहाँ कोई नहीं है, बिकॉज ये मेरी स्टडी है और मैं कोई बिल्कुल कंसल्टेंट नहीं हूँ। तो पहली चीज़ तो हम फिजिकल सिल्वर जो है खरीद सकते हैं सिल्वर बुलियन के फॉर्म में, बार या कॉइन्स के बेसिस पे, लेकिन जो कॉइन्स होते हैं जिसमें एनग्रेव रहता है मतलब देवताओं की तस्वीर वगैरह में, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। दूसरी तरीके से जो हम इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है पेपर सिल्वर ऑप्शंस होते हैं उस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिजिटल सिल्वर ऑप्शंस होते हैं उस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आप उसके बारे में स्टडी करके ढूंढ के उसके बारे में आप उस पे काम कर सकते हैं। तीसरा होता है आप कमोडिटी फ्यूचर्स में सिल्वर पे ट्रेड कर सकते हैं, जो MCX और NCDEX के थ्रू होता है। और चौथी चीज़ जो है सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आते हैं, ETFs आते हैं, उसमें भी आप स्टडी करके अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ज़रूर उस पर कर सकते हैं। तो ये तीन चार ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप सिल्वर में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ये कॉन्फिडेंस देती है तो इसके बारे में भी आप ज़रूर सोचिएगा। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। नमस्कार।